मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे वीवो का Y12s फोन है और इसमें जो है दो वेरिएंट आता है, जैसे कि वेरिएंट बोल रहे हैं उसमें तो 32 और 332 आता है। बाकी यहाँ पे जो है इसके अंदर IC लगा हुआ है, तो इसमें MediaTek भी आता है और क्वालकॉम में भी आता है। तो फिलहाल हम इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए थे आज। तो यहाँ पे जो अभी मेरे पास फ़ोन है वो है क्वालकॉम IC में वीवो का Y12s फ़ोन है और आप इसको UMT से अनलॉक कर सकते हैं। यदि आपके पास UMT है तो आपको तो पता ही होगा कि अनलॉक कैसे करना होता है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम अनलॉक कर लेते हैं। और कुछ भाइयों का जो सवाल था, कुछ क्वालकॉम में न्यू अपडेट आया था तो उस बात को लेकर के, तो इससे पहले का जो सेटअप था उसमें थोड़ा सा इशू था, बाकी जो न्यू सेटअप आ गया है उसमें क्लियर हो गया है। और आपको जो ओप्पो का कुछ रैनो पता ना कुछ मॉडल करके था वो नहीं देख पाया, आपको उसके वेबसाइट पे जाकर के अगर देखना है तो देख सकते हैं कौन सा मॉडल जो है अपडेट न्यू ऐड किया था इसमें। तो उस मॉडल का जो है आप आसानी से वर्क कर सकते हैं, यानी जो मॉडल क्रैक हो गया क्वालकॉम में वो ऐड हो चुका है। और आगे जो होगा वो तो पता नहीं क्या क्या होगा, A3S तो अभी तक हुआ नहीं है। तो चलिए हम इसको अनलॉक किस तरह से करते हैं वो जानेंगे आज का इस वीडियो में। तो दोस्तों बस नॉर्मल है, नॉर्मल बोले तो क्या, UMT का जो QC फायर है उसको ओपन कर लेना है आपको। और यहाँ पे जो हम बैटरी रिमूव करके फिर से लगा लिए हैं, ठीक है। आगे जो है आपको करना क्या है, एरियल पॉइंट इसका यहाँ पे ये रहा, तो दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके कनेक्ट करना होता है फ़ोन को। हम यहाँ पे शॉर्ट कर लिए हैं और फिलहाल कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है क्योंकि ये वहाँ पे PC में जो है आवाज़ आ चुका है। चलते हैं PC पे और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं फ़ोन जो है मेरा कनेक्ट हो चुका है, जो कि क्वालकॉम का जो 9008 कॉम पोर्ट होता है वो मेरा बन चुका है। अब हमें यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं वीवो का Y12s है, तो Y12s हमें सेलेक्ट करना है। नीचे चलते हैं तो यहाँ पे जो है UMT के अंदर में ये ऐड नहीं है, देख सकते हैं Y12s तो हमें नज़र नहीं आ रहा है कहीं पे। हाँ सॉरी, यहाँ पे जो है देख सकते हैं है यहाँ पे ऐड। बाकी इसमें जो है वीवो Y12s ये फ़ोन जो है भी 2069 करके है। बाकी हम इसको सेलेक्ट करके देखते हैं क्या होता है, फ़ोन जो है मेरा FRP है तो हो पाता है या नहीं होता है। बाकी इसका PDF वर्जन चेंज है, चलिए कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं नहीं हुआ है, FRP मेरा जो है वो वैलिड हो चुका है। तो हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे पता है, अनलॉक होल का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है फाइनली देख सकते हैं अनलॉक टूल में जो है मेरा रीसेट कंप्लीट हो चुका है। बाकी UMT में जो नया जो आ चुका है आपको 2069 करके, भी 2069 करके, वो ऐड नहीं है, जिसके कारण जो है यहाँ पे UMT के अंदर नहीं हो पाया। वैसे YouTube पे कुछ वीडियो हैं Y11 सेलेक्ट करके, लेकिन नहीं हो पाता है। तो यदि आपको करना है ना तो अनलॉक टूल का प्रयोग करिए, यदि आपके पास है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप किसी ऑनलाइन वाले बंदे से करवा सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी जा कर के आप उस नंबर पे संपर्क करके ऑनलाइन करवा लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है फाइनली आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। यदि मान लीजिए जो वीवो का ये Y12s है जो क्वालकॉम IC में है, 2069 करके, वो आपको
नॉर्मल UMT में अभी तक नहीं हो पाता है, और फिलहाल अनोकुल में तो दे दिया है Y12S। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल अवश्य रखें।